मुंगेली जिले के लोरमी निवासी सेवानिवृत्त बीएमओ द्वारा शिकायत किया गया कि 6 सितंबर 2024 को कुछ लोगों द्वारा व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर स्वयं को मुंबई क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर डरा धमका कर डिजिटल अरेस्ट कर 7,36,000 रुपए का ठगी कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक मुंगेली के निर्देशन में टीम तत्काल सक्रिय हो गई एवं बैंक डिटेल एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर केरल रवाना हुए। केरल के संभावित स्थानों पर मुंगेली पुलिस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर दबिश दी गई। एक दिन के प्रयास से टीम को केरल के मल्लापुरम जिले के चेरुकापल्ली बिल्लुवागढ़ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि उसका एक अन्य साथी जिलसाद निवासी कालीकट भी इसके गिरोह में शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीम प्रयासरत है। वारदात को अंजाम देने के पश्चात आरोपी फवाज दुबई भागने की फिराक में था। एक रिटायर्ड बीएमओ है लोरमी के डॉक्टर दीपक लाल, उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ जिसकी सूचना उन्होंने दी। यह पता चला कि उनके पास एक वीडियो कॉल आया जिसमें आरोपियों द्वारा खुद को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया गया। इनको धमकाया गया कि आपके द्वारा जो पार्सल भेजा गया है उसमें प्रतिबंधित ड्रग्स और आर्मी की जो ड्रेस है वो है, फर्जी आई कार्ड है। वो ऐसा डरवा कर उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया। उनको बताया गया कि फोन डिस्कनेक्ट नहीं करना है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, यदि आपको बचना है तो लगभग इतने रुपए दे दीजिए। तो डर में उन्होंने उनके बताए अकाउंट में लगभग 7,36,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के तत्काल बाद स्पेशल टीम बनाई गई। स्पेशल टीम निशानदेही पर केरला रवाना हुई। केरल में वहां पर कई स्थानों पर दबिश दी गई, अंततः एक मल्लापुरम है केरला का, वहां के गाँव में दबिश देकर आरोपी जो फयाज है उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। उसने अपना जुर्म कबूल किया गया है। और इसके अलावा ये इसका अन्य जो साथी है दिलसाद, ये भी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बनाया हुआ था और ये दुबई में भी अपराध कर चुका है। इसमें जो आरोपी फयाज है ये दुबई भागने की फिराक में था, किंतु उसके पूर्व ही मुंगेली पुलिस द्वारा इसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ कर आरोपी गिरफ्तार करने में मुंगेली पुलिस सफलता प्राप्त।